बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद जाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं हम सीधे जाए के ऊपर पहाड़ पे। कुछ दोस्त आगे चले गए हैं और हम दो दोस्त इधर फिलहाल वीडियो बना रहे हैं, तो उसके बाद हम भी ऊपर ही जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से और आरामदेह तरीके से ऊपर चढ़ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इससे पहले एक बार एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये सेकंड टाइम है कि मैं ऊपर जाऊँगा। इधर से तो काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन आगे जाके देखते हैं। फिलहाल तो शुरुआत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल होगा। एक बोतल पानी है और हम कोई टोटल 5 बंदे हैं, तो चढ़ना भी है, नीचे भी आना है। काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, हाँ, क्या सूरत हाल है भाई। और ये प्यारा सा गांव हम इस वक्त पीछे छोड़ चुके हैं। हाय, ऊपर से भी व्यू आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये सारे थके हुए हैं, मैं नहीं थका हुआ। इन्होंने कल जाना था, लेकिन जलालत के लिए रुक गए हैं। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ ना। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह, आगे जाके भी नहीं होगा, बस देख लेंगे, अभी तो रास्ता बाकी है ना। एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जलील भी हो रहे हैं। नाज़रीन, जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लोगों को जब ढोल बजा के शहरी के लिए उठाया जाता था, हमारे मशरान कहते हैं कि इसी पत्थर पे नौजवान लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसको आग लगा दी जाती, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कि कल ईद है। काफ़ी जलालत के बाद या काफ़ी एंजॉयमेंट के बाद सारी वापस जाने का इरादा है। बस काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं, थोड़ा सा रास्ता रहता है, उसके बाद इंशाल्लाह हम वापस पहुंच जाएंगे अपने अपने जगहों पे। ये पहाड़ पीछे फिर आपको नज़र आ रहा होगा।